हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने मैसेज दिया था ग्रुप पे कि हम एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस मनाकिद करेंगे, तो उसी सिलसिले में ये क्लास शुरू हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कलीम सिद्दीकी जमील, केएस जमील, फिर एक बार आपके सामने एक टॉपिक को लेकर सीटेट से मुताल्लुक एक रिकॉर्डिंग मैं आपको पेश कर रहा हूँ। आप लोग इसको ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए और हो सका तो कमेंट्स भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और वो लोग भी कुछ आपको पूछे और आप उनको कुछ पूछे और आप सब मिलकर उसको कुछ पूछे। तो इस तरह से हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे से, ताकि हर अपने इल्म में कुछ इजाफा। तो आगे बढ़ते हुए मैं इस क्लास का आगाज करते हुए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सीटेट में कंपलसरी क्वेश्चंस में से एक टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थी। तो यहाँ पर मैं बहुत बार देखा कि सीटेट में कई बार कोहलबर्ग से मुताल्लुक, मॉरल डेवलपमेंट से मुताल्लुक क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको पीपीटी के जरिए, हो सका तो यूट्यूब का वीडियोस के हेल्प की मदद से मैं इंशाल्लाह क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग इत्मीनान से देखिए और कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फोन करके मुझे। तो और एक मजीद एक इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस जो होते थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदराबाद में, वो डॉक्टर आयशा बेगम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू की मदद और ताउन कोऑपरेशन से क्लासेस मैं लेता था, मगर ये कोरोना और ये समर हॉलीडेज और रमजान की वजह से, खासतौर पर कोरोना की वजह से वो क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सक रहे, लिहाजा मैं ऑनलाइन का इस्तेमाल करते हुए मैं आप तक मैं इंफॉर्मेशन को और कंटेंट को आप तक मैं पहुँचा रहा। तो आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हुए एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से आप लोग कामयाब होंगे, मेरी दुआ है। तो आगे बढ़ते हम इसको क्लास का हम आगाज करते हैं। जब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट थीरीज की, तो थोड़े हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट थीरीज है जो डीएड में और बीएड में हमको देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट थीरीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट थीरीज में काबिले जिक्र जो है वो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को पेश करने वाले जीन पियाजे हैं, ये स्विट्जरलैंड से इनका ताल्लुक है और इनके नजरिए में, इनके मरहले में, इनके नजरिए में चार मरहले पाए जाते हैं। इंशाल्लाह मैं कभी फिर एक बार जीन पियाजे के ताल्लुक से भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको उर्दू में इदराकी नशोनुमा और वक़्ूफ़ी नशोनुमा कहते हैं, उसका भी एक वीडियो बनाकर मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे आप तक पहुंचाऊंगा। जनरली क्या होता था, डीएड में बीएड में जब पढ़ते हैं तो जब डेवलपमेंट थ्योरीज की बात आती, एक्चुअली सिलेबस कैसा स्टार्ट होता था, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, फिर डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या है बोलते हुए उसके बाद थीरीज पे आते हैं। जब थीरीज पे जब हम आते तो पहला थ्योरी काबिले जिक्र सबसे पहले किताबों में पहले जीन पियाजे का जिक्र आता, उसके बाद फिर हम कोहलबर्ग, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसके बाद हम यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, नोम चॉम्स्की अमेरिका के, इनकी थ्योरी में एलईडी का कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज को लेकर बहुत अच्छा रिसर्च किए। तो यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, फोटोज भी मैं पेश किया आपके सामने। सबसे पहले जिक्र है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको इधर के नशन हुआ वक्फ के नशन हुआ, जिसको पेश करने वाले जीन पियाजे हैं, स्विट्जरलैंड से इनका ताल्लुक है, 1898 में इनका जन्म होता। तो दूसरे नंबर, ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं नंबर टू पे यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, इसको पेश करने वाले नोम चॉम्स्की, यहाँ पर फोटो भी दी गई है, हाल ही में इनका इंतकाल हुआ। और मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है लॉरेंस कोहलबर्ग की है, जिसका जिक्र आज हम करेंगे आज की क्लास में। और यहाँ पर ये जो स्लाइड में नंबर चार पे जो सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी है वो कार्ल रॉजर्स ने पेश किया, यहाँ पर उनकी फोटो भी है। सेल्फ यानी खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे क्या बता तेरी रजा है, बल्कि मैं इकबाल साहब का शेर भी सुना था, मुझे सही कहना नहीं आ रहा, मगर
जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, नो योर नो थाइसेल्फ, बल्कि ग्रीक में डेल्फी मंदिर पे नो योर सेल्फ नो थाइसेल्फ बल्कि लिखा हुआ है, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानते आप दूसरों को पहचानना या अपने दूसरे काम को अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी, यानी आपको आप डेवलप किस तरह करें, आपको आप किस तरह आपका नशोनुमा को आप फरोख दें, उससे मुताल्लुक कार्ल रोजर्स ने एक अच्छा एक नजरिया पेश किया जिसको सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे देख लिए और 6 नंबर पे ये साइकोएनालिसिस थ्योरी और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जहाँ पर हम जिक्र करते हैं इड ईगो सुपर ईगो का हम जिक्र करते हैं और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में 5 मरहले हैं इनके, उसका भी हम जिक्र करते हैं। तो उसको पेश करने वाले ऑस्ट्रिया से ताल्लुक रखने वाले सिगमंड फ्राइड हैं। हिटलर के दौर में ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये हिटलर के खौफ से, हिटलर के डर से ऑस्ट्रिया जर्मनी को छोड़ देकर, जब ऑस्ट्रिया पे हमला होता है हिटलर का जर्मनी का 1942 और 43 के दौर में, ये अमेरिका भाग जाते हैं। सिगमंड फ्राइड बहुत अच्छे मशहूर माहिर नफ्सियात है, बहुत अच्छे एक साइकोलॉजिस्ट है। तो इनके दो नजरिए हैं, साइकोएनालिसिस थ्योरी है और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है। इंसान खुदकुशी क्यों करता, और उनकी एक अच्छी किताब भी है, वो किताब का नाम है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, बल्कि किताब है इनकी, और इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बल्कि भी सिगमंड फ्राइड की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हुए हम 7 नंबर पे साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी को पेश करने वाले एरिक एरिक्सन है अमेरिका के। ये एरिक एरिक्सन जो है सिगमंड फ्राइड के शागिर्दों में से माने जाते हैं, और सिगमंड फ्राइड की जो लड़की बेटी है अन्ना फ्राइड के साथ इन्होंने काम किया, और सिगमंड फ्राइड का जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का जो नजरिया है उसके इन्होंने तनकीद करते हुए उन्होंने एक सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को पेश किया। यानी बच्चे के नशोनुमा में हर वक्त सेक्स की बात नहीं आती, उसका जो नशोनुमा जो होता जींस पर मुनासिर नहीं रहता बल्कि समाज पर मुनासिर होता, बल्कि वो साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी को पेश करने वाले वाइगार्स्की है। वाइगार्स्की का ताल्लुक रूस से है और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते रहते। तो बहरहाल आगे बढ़ते हुए हम ये चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज का मैं स्लाइड आपके सामने रख दिया हूं, और इसको प्रैक्टिस करो आप। शायद ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है सीटेट में कि सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी को किसने पेश किया, या सिगमंड फ्राइड की थ्योरी कौन सी है, या नॉम चॉम्स्की की थ्योरी कौन सी है। इस तरह से आपको सवाल आ सकते हैं, या ना तो ऐसा हो सकता है वाइगार्स्की का नजरिया का नाम क्या है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आते जा रहा मेरे को। तो बहरहाल आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड को हम देखेंगे। ये स्लाइड में हम लॉरेंस कोहलबर्ग का जिक्र कर रहे हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। लॉरेंस कोहलबर्ग 20वीं सदी के चंद मशहूर माहिर नफ्सिया बेस्ट साइकोलॉजिस्ट में से एक साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, और ये इसलिए मशहूर है कि इन्होंने अखलाकी नशोनुमा का नजरिया इन्होंने पेश किया, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और उनके नजरिए में 3 लेवल 3 सतह हैं और 6 मरहले हैं। तो आगे आगे डिटेल में हम इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। तो आज का जो मौजू है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी अखलाकी नशोनुमा, तो यहाँ पर 2 वर्ड्स है, मॉरल और डेवलपमेंट। तो मॉरल किसको कहते हैं, डेवलपमेंट किसको कहते हैं, वो सब कीवर्ड्स हैं मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है मॉरल। मॉरल से मुराद सही और गलत के दरमियान फर्क को समझना। अगर हम उर्दू में अगर हम इंग्लिश में बात करें, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड, समझना है हमको क्या सही है क्या गलत है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, उसके हिसाब से हमको फैसला लेना होता, उसके हिसाब से हमको अपने बर्ताव को या अपने किरदार को निभाना होता है सोसाइटी में, उसको हम मॉरल बोलते हैं। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की जब बात कर रहे हैं तो मॉरल क्या है आपको मैं समझा दिया, सही और गलत के दरमियान क्या फर्क है समझा दिया।
इसके बाद डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, डेवलपमेंट से मुराद यहाँ पर एक फर्द में पाई जाने वाली मुकम्मिल तब्दीलियां, यानी तवारुस और माहौल के बुनियाद पे बेस्ड ऑन द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस इन ए पर्सन लाइक ग्रोइंग वेट, ग्रोइंग हाइट एंड एज वेल एज चेंजेस इन हिज थिंकिंग, चेंजेस इन हिज साइकोलॉजी, चेंजेस इन हिज मेंटल लाइक डेवलपिंग द आईक्यू लेवल एंड चेंजेस इन इमोशनल. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट. डेवलपमेंट से मुताल्लिक हमारे पास बहुत सारे नजरियात पेश किए गए, जिसकी तरह थोड़ी देर पहले मैं आपको इस स्लाइड में बताया था कि हमारे पास इदराक नशोनुमा है और लिसानी नशोनुमा है और अखलाकी नशोनुमा है, सेल्फ डेवलपमेंट है, साइको एनालिसिस थ्योरी है, बहुत सारे नजरिए बहुत सारे साइंसदानों ने पेश किया. तो उसी को लेकर यहाँ पर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं. डेवलपमेंट यानी एक फर्द में, एक बच्चे में पाया जाने वाली तकरीबन तब्दीलियाँ, चाहे वो जिस्मानी तब्दीली हो या वो नफसी तब्दीली हो. जब बात करते हैं जिस्मानी तब्दीली की तो उसको हम बालिग भी कहते हैं, ग्रोथ बोलते हैं उसको इंग्लिश में. ग्रोथ रेफर्स टू द चेंजेस इन फिजिकल चेंजेस लाइक ग्रोइंग हाइट और ग्रोइंग वेट, दैट इज ग्रोथ. एंड ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. बालिग की जो होती है वो नशोनुमा का एक हिस्सा है. डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत तसव्वुर बहुत बड़ा है और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है. ग्रोथ एक जगह आके रुक जाता है और डेवलपमेंट जिंदगी भर जारी रहता. बहरहाल ग्रोथ और डेवलपमेंट के ताल्लुक से मैं एक नया अलग वीडियो बना के इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा आप तक. फिलहाल हम ये जो स्लाइड पे है उसको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है मॉरल डायलेमा. एक लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नजरिया है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसकी बुनियाद है मॉरल डायलेमा. मॉरल डायलेमा मतलब एक ऐसा वक्त, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा माहौल कि आप कुछ फैसला ले सकते, यानी एक उलझन में रहते, आपके अखलाकी उलझन है, क्या सही क्या गलत, क्या मैं ये इसको सेलेक्ट करूँ या इसको सेलेक्ट करूँ, झूठ बोलूँ या सच बोलूँ, या कुछ गलत करूँ या कुछ अच्छा करूँ. आपको समझ में नहीं आता सही करूँ या गलत करूँ, या कुछ बुरा करूँ या कुछ अच्छा करूँ, आपको समझ में नहीं आता. ऐसा सिचुएशन आ जाता कि आपको दो भी सही दिखते. इसलिए हम क्या करते कभी कभी बाज वक्त इंसान को गौर करते हैं, हम झूठ भी बोलते बाज वक्त. अब यहाँ पर हेंस की बात करें, यहाँ पर हेंस की एक मिसाल है हमारे पास, आगे मैं आपको स्लाइड में बताता हूँ उसको. कभी कभी यानी ऐसा हो जाता इंसान को जिंदगी में एक उलझन में आ जाता, एक तसज्जुब में आ जाता कि सच बोलूं या झूठ बोलूं. सच बोलना सही है, सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, झूठ बोलना गलत है. मगर झूठ बोलने से भी शायद कभी कभी किसी का कुछ फायदा दिखता आपके नजरिया में, आपके सोच से क्या दिखता, मैं झूठ बोला था इसका फायदा है. बल्कि आप क्या करते, झूठ बोल के आप अपना अखलाकी मुजाहरा करते. सो मॉरल डिलेमा मीन्स यू आर अनेबल टू टेक ए डिसीजन, यू आर अनेबल टू ऑप्ट वन चॉइस बिटवीन टू चॉइसेस. इट लुक्स बोथ आर सेम, बोथ आर लुक लाइक सेम, गुड और बैड. आप गुड भी अच्छा सकता है, बैड भी अच्छा सकता है, मगर क्या करना आपको समझ में नहीं आता, उसको मॉरल डिलेमा बोलते हैं. यू आर अनेबल टू टेक ए डिसीजन एट ए गिवन पर्टिकुलर सिचुएशन. टू ऑप्शंस आर देयर, टू ऑप्शंस लुक इन अलाइन, दो भी सेम दिखते आपको, बट यू आर अनेबल टू टेक डिसीजन. दैट सिचुएशन इज नोन एज मॉरल डिलेमा. एंड नेक्स्ट हम बात करें कन्वेंशनल, यहाँ पर इनके कोहलबर्ग के नजरिए में तीन लेवल्स है और एक एक लेवल में दो दो स्टेजेस है. तो कुल मिला के छह स्टेजेस है और टोटल इनके तीन लेवल्स है. तो वो लेवल्स में पहला लेवल का नाम है प्री कन्वेंशन लेवल, जिसको इब्तदाई रस्मी सतह बोल रहे हैं, और दूसरा लेवल का नाम है कन्वेंशन लेवल, जिसको उर्दू में रस्मी सतह बोल रहे हैं, और तीसरा लेवल का नाम है पोस्ट कन्वेंशन लेवल, जिसको उर्दू में बाद रस्मी सतह बता रहे हैं. यहाँ पर देखिए मैं आपको उर्दू में बताता हूँ. ये देखिए पहली सतह का नाम है इब्तदाई रस्मी सतह, और दूसरी सतह का नाम है रस्मी सतह, तीसरी सतह का नाम है बाद रस्मी सतह. एक एक सतह में दो दो मरले होते हैं, एक एक लेयर में दो दो स्टेज होते हैं. यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, उर्दू में भी. यहाँ पर लेवल को रोमन लेटर्स में लिखना है और स्टेजेस को इंडो अरबिक लेटर्स में 1, 2, 3 इस तरह लिखना है, जैसे यहाँ पर स्लाइड में दिखाया गया. तो जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल की, व्हाट इज कन्वेंशनल, कन्वेंशनल किसको बोलते हैं, कन्वेंशन से मुराद यहाँ पर क्या है बोले तो एक सोसाइटी में एक्सेप्टेड रूल्स प्रिंसिपल्स को हम क्या बोल रहे हैं, कन्वेंशनल बोल रहे हैं. यानी आमतौर पर समाज में तयशुदा जो कबूलशुदा चंद मेयारात, चंद जो उसूल होते हैं, उसको हम कन्वेंशनल कहते हैं. ये मेयारात जो होते हैं एक समाज से दूसरे समाज में एक सा नहीं होते, एक समाज से दूसरे समाज में तब्दील होते रहते. यहाँ पर इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करते हैं, तो सऊदी में दुबई में राइट हैंड ड्राइविंग करते. तो यहाँ पर जो रूल है वहां पर जो रह सकता है, रूल नहीं रह सकता. यहाँ पर शराब पीना मना है, शराब पीना गलत है हिंदुस्तान में, तो शायद बाज ममालिक में शराब पीना सही है, शराब पीना वहां पर एक्सेप्टेड है, वहां पर रूल है या प्रिंसिपल है, पी सकते. तो बोले मतलब क्या है,
कन्वेंशन जो होते एक सोसाइटी में जो होते दूसरे सोसाइटी में रह सकते नहीं रह सकते एक साथ नहीं होते, जबकि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आफाकी अखलाकी जो उसूल है जैसा कि सच्चाई है, अदम तशद्दुद है, अमन है, भाईचारगी है, हम एहसासी है, ये जो होते पूरी दुनिया में एक साथ होते। यहाँ पर भी सच बोलना कबूल किया जाता, दूसरे मुल्क में भी सच बोलना कबूल किया जाता। हम भी अमन को पसंद करते, दूसरे समाज वाले भी अमन को पसंद करते, दूसरे मुल्क वाले भी अमन को पसंद करते, ये पूरी दुनिया में एक जैसे होते आफाकी अखलाकी उसूल यूनिवर्सल एथिकल लिखा हुआ देख के उसको लिख के दो तीन बार अच्छा उसको प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखिए फैक्टर्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी ये अखलाक नशोनुमा के अहम अनासर क्या है, तीन है। एक इदराक नशोनुमा जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोल रहे हैं, दूसरा है परवरिश जिसको नर्चरिंग बोल रहे हैं, तीसरा है समाजी तजुर्बा जिसको सोशल एक्सपीरियंसेस बोल रहे हैं। कोहलबर्ग के मुताबिक इंसान का जो अखलाक नशोनुमा है उसका यानी वो किस पर मुनसर है, किस पर डिपेंड है, क्या है उसके फैक्टर्स बोले तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और नर्चरिंग एंड सोशल एक्सपीरियंसेस। आपको सीटेट में एग्जाम में ये पूछ सकता कि मॉरल डेवलपमेंट के फैक्टर्स क्या है पूछता, तो तीन आपको मालूम होना चाहिए और बेसिस फॉर द मॉरल डेवलपमेंट बोले तो आपको तीन भी मालूम रहना, वो चौथा जो ऑप्शन में जो गलत दिया वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन आपको मालूम आते हैं, देन यू शुड नो ऑल दिस थ्री फैक्टर्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। द क्वेश्चन मे कम इन सीटेट एग्जाम लाइक विच इज नॉट द फैक्टर फॉर मॉरल डेवलपमेंट एंड वॉट आर द फैक्टर्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यू मे आस्क इन एनी वे, सो देन यू शुड नो ऑल द थ्री फैक्टर्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। होता क्या बोले तो इदराक नशोनुमा पे क्यों आपका अखलाक नशोनुमा ठीक होगा, जैसा वक्त बढ़ते रहता, जैसा उम्र बढ़ती रहती, इंसान की सोच बढ़ती रहती, सोच जैसे जैसे तरक्की करती थी उसके हिसाब से आप अखलाक नशोनुमा का मुजाहरा करते आप समाज में वैसे फैसले लेते। जैसी परवरिश होती है आपकी बेस्ड ऑन योर नर्चरिंग यू एक्ट इन ए मॉरल वे इन ए सोसाइटी इन ए गिवन सिचुएशन यू टेक सम डिसीजंस बेस्ड ऑन योर नर्चरिंग। तो आपकी परवरिश जैसी होती वैसे आप अखलाकी फैसले लेते, जैसे आपके तजुर्बे आपकी जिंदगी में पेश आते वैसे आपके अखलाकी फैसले आप लेकर आप अपना मुजाहिरा करते हैं, अखलाकी नशोनुमा का मुजाहिरा करते हैं। इस तरह से तीन अहम अनासर तीन फैक्टर्स को आप याद रखना बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मोरल जो है वर्ड मोरल जो वर्ड है वो उसकी मीनिंग क्या है इंग्लिश में अगर देखें फॉलोइंग राइट एंड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इंग्लिश में अगर देखें, और मोरल का जो रूट वर्ड है इसको कहाँ से अक्स किया गया, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोरल इंग्लिश वर्ड मोरल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मोस इट मींस कस्टम्स, यानी इसके माने क्या है मोस के माने क्या बोलते रसूमात या रिवायत या चंद तौर तरीकों को हम मोरल बोलते। जो लफ्ज है मोरल इंग्लिश वर्ड है जिसको लैटिनी लफ्ज मोस से अक्स किया गया, मोस के माने है कस्टम के रिवायत के रीत के और रसूमात के। और मोरल डिलेमा का डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ए सिचुएशन इन विच ए डिफिकल्ट चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू पॉसिबल मोरल इंपरेटिव्स, यू आर अनेबल टू ऑप्ट वन चॉइस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑप्ट वन चॉइस, वेदर यू हैव टू ऑप्ट फॉर गुड, वेदर यू हैव टू ऑप्ट फॉर बैड, वेदर यू हैव टू ऑप्ट फॉर ट्रू और वेदर यू हैव टू ऑप्ट फॉर फॉल्स, वेदर यू हैव टू सेलेक्ट राइट और वेदर यू हैव टू सेलेक्ट रॉन्ग, you are in a confusion where you don't know which option is right, whether good option is good right or whether bad option is good, you don't know, that situation is known as moral dilemma. Aur moral Kohlberg ne bahut sare different culture ke logon par individuals par bachchon par apne tajruba ko conduct karke unhone apne tajruba ke baad unhone ye अखलाकी नशोनुमा का जो नजरिया उसको उन्होंने पेश किया जिसमें तीन लेवल और छह सतह हैं। आगे बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के जो आपको मैं बता दिया तीन आपको मालूम होना चाहिए, सीटेट में ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज नॉट द बेस फॉर कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बोले तो आपको ऊपर के तीन जो दिए गए ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट नर्चरिंग एनवायरमेंट तीन मालूम होना चाहिए, और क्या है बोले तो भी तीन मालूम होना चाहिए, क्या नहीं है बोले तो भी तीन आपको मालूम होना जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बताएंगे The base for the moral dilemma theory is moral dilemmas. Moral dilemma क्या है आपको मैं समझा दिया, एक अखलाकी उलझन है, इसकी बुनियाद पर उन्होंने कोहलबर्ग ने अपने moral development theory अखलाकी नशोनुमा को पेश किया।
और एक अगर मोरल डायलेमा का अगर हम एग्जाम्पल अगर लें तो हमारे पास हेन्स डायलेमा के नाम से एक एक वीडियो है, मैं आपको बता दूं हेन्स डायलेमा किसको बताते हैं, हेन्स डायलेमा किसको बोलते हैं। यहाँ पर एक वीडियो है, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। मोरल डेवलपमेंट यहां पर हेन्स डायलेमा, हेन्स डायलेमा का वीडियो बता रहा हूं मैं आपको। ये देखिए हेन्स डायलेमा का वीडियो है, ये है हेन्स डायलेमा। इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, यहां पर इनको चोरी करके चोरी करना है और चोरी करने के बाद जेल को नहीं जाना है या जाना है। इनको चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि चोरी करना जुर्म है, गुनाह है। अगर चोरी नहीं करे तो फिर बीवी का इंतकाल हो जाता। क्या हेन्स को यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर इसको चोरी करना है, अपने बीवी को बचाना है और जेल में जाके बैठ जाना है, तो कौन सा तरीका सही होगा। अच्छा यहाँ पर बीवी की बात कर रहे हैं, अगर हेन्स की बीवी के बजाय उसकी माँ अगर होती, बूढ़ी माँ होती, तो क्या बूढ़ी माँ को मरने देना, आपका अखलाकी रवैया किस तरह होता, आप किस तरह पेश आते, क्या फैसला लेते। अच्छा मतलब बीवी नहीं और बूढ़ी माँ भी नहीं, शायद उसकी भाभी रहती, तो क्या भाभी को मरने दे, वो मेरी बीवी नहीं है ना, मेरी माँ नहीं है ना, चलो भाई की बीवी मर जाने दो, बोले छोड़ देंगे, दवा नहीं लाएंगे, या नहीं तो फिर माँ भी नहीं, बीवी भी नहीं और भाभी भी नहीं, समझे वहां पर उसका एक पालतू जानवर कुत्ता है, उसके लिए एक दवा खरीदना है, उसके पास पैसे नहीं है, तो दवा के लिए कुछ कोशिश करेंगे या कुत्ता मर गया तो मर गया, लेकिन छोड़ देंगे। आप क्या फैसला लेते वो आपका अखलाकी नशोनुमा है, वो आपका अखलाकी गुजार है। ये आउट ऑफ थ्री ऑप्शन आर देयर, व्हाट यू डू, do you steal the drug or you let your wife dies, aap kya faisla lete uske upar aapka moral development batata to bahar yahan par ye jo hamara jo moral development theory Kohlberg ka iska base kya hai bole to moral dilemma hai aur moral dilemma ka example hamare paas kya hai bole to ek hens dilemma hai jo hens dilemma ki photo hai मोरल डायलेमा में एक एग्जाम्पल है हेन्स डायलेमा। तो बहरहाल आप लोग मोरल डायलेमा क्या है समझ गया और हेन्स डायलेमा क्या है समझ गया। तो जो डिसीजन लेते उसके ऊपर आपका जो डिसीजन है वो थ्री फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा है, आपकी नर्चरिंग कैसी हुई और आपके तजुर्बात क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका डिसीजन। तो क्या डिसीजन लेना क्या डिसीजन नहीं लेना, जो कंफ्यूजन में आप जो सिचुएशन में ठहरते रहते, चिट्ठी मारो या ना मारो, वो डायलेमा है। जमील सर की क्लास सुनो, वीडियो जो देख रहा हूं मैं, या ना तो मैं यूट्यूब पे कुछ अच्छे गाने देख लूं या कोई फिल्म देख लूं, डायलेमा में है। अगर आप क्या फैसला लेते उसके बाद उसके नतीजे आपको हासिल होते, तो इस तरह से आप जो उलझन में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोरल डिलेमा। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम आप देखें तो आगे बढ़ते हुए
यहाँ पर डिलेमा का एक पिक्चर है, हेंस को चोरी करना चाहिए या चोरी नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बल्कि सारी चीजें थी। आपका क्या जवाब रहता, आप खुद सोच लो, आपके तासरात क्या है, व्हाट आर योर रिफ्लेक्शंस, शुड हेंस स्टील द ट्रक और नॉट, व्हाई व्हाई शुड ही स्टील एंड व्हाई ही शुड नॉट स्टील द ट्रक, इट शोज दैट हिज मॉरल डायलेमा। एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, हम बात करते हैं यहाँ पर गोयलबर्ग के तीन लेवल्स की और छह स्टेजेस की। आप एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रख लो, एग्जाम में ये भी पूछ सकता कि कितने लेवल्स है और कितने स्टेजेस है पूछ सकता। जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में चार स्टेजेस है, चार मरहले हैं। लॉरेंस गोयलबर्ग की थ्योरी में छह स्टेजेस है और तीन लेवल्स है, एक एक लेवल में दो दो स्टेजेस है, तो जब तीन लेवल्स हो जाते तो उसके कुल मिला के छह स्टेजेस है। और तीन लेवल्स का नाम मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एक पहला लेवल का नाम है प्री कन्वेंशन लेवल, सेकंड लेवल का नाम है कन्वेंशन लेवल, और दूसरा लेवल, तीसरा लेवल का नाम है प्री पोस्ट कन्वेंशन लेवल। पहला होगा प्री कन्वेंशन लेवल, दूसरा होगा कन्वेंशन लेवल, तीसरा होगा पोस्ट कन्वेंशन लेवल। तो यहाँ पर प्री कन्वेंशन का नाम प्री कन्वेंशन क्यों रखा गया, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं प्री कन्वेंशन लेवल को उर्दू में क्या बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं प्री कन्वेंशन लेवल को, इब्तदाई रस्मी सतह। और इसका दौर है चार साल से लेकर दस साल तक के बच्चे की जो उम्र होती है वो दौर है, और कन्वेंशन लेवल में ग्यारह साल से लेकर तेरह साल तक के बच्चे रहते हैं, और पोस्ट कन्वेंशन लेवल का लेवल की जो उम्र है वो चौदह साल से लेकर उन्फान शबाब के आखिर तक। तो प्री कन्वेंशन लेवल को प्री कन्वेंशन लेवल क्यों बोलते हैं, तो बच्चे को वहां पर अखलाक क्या है, मोरालिटी क्या है, अखलाकियात क्या है मालूम नहीं रहता उसको, वो सिर्फ फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बोलो उसके एक किस्म का वो क्या बोल सकते हैं आप, सजा के डर से या तो कुछ इनाम के तौखुस से वो अपना अखलाकी मुजाहरा करता, वो है प्री कन्वेंशन लेवल। यानी उसको अखलाकियत क्या है नहीं मालूम रहता, इसलिए उसका नाम प्री कन्वेंशन लेवल रखा गया, और इसकी उम्र है चार साल से लेकर दस साल। अब बात करेंगे सेकेंड लेवल की कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल की उम्र है 11 साल से 13 साल तक, इसमें दो स्टेजेस है। कन्वेंशन लेवल में क्या हो, लेवल के जो उम्र के जो बच्चे होते उनको अखलाक क्या है, सही क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सब मालूम रहता, तो इसलिए इसका नाम कन्वेंशन लेवल रखा गया। यानी रसूमात जो उसूल जो होते वो उसूलों से सब लोग वाकिफ रहते, ये स्टेज और ये लेवल के जो उम्र के जो बच्चे रहते। नेक्स्ट पोस्ट कन्वेंशन लेवल की बात कर रहे हैं, पोस्ट कन्वेंशन लेवल यानी बियॉन्ड द कन्वेंशन लेवल, बियॉन्ड द कन्वेंशन लेवल There is a post-conventional level, that is third level. इसमें भी दो stages हैं, stage 5 और stage 6. हर level में, हर सत्य में दो दो मरहले हैं, दो दो stages हैं। तो conventional level के बाद का जो दौर होता है उसको post-conventional level बोलते हैं। और post-conventional क्यों रखा गया बोले तो ये रस्मी सत्य के बाद का दौर है, रस्मी सत्य के दायरे के बाहर का दौर, दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। और इसमें भी दो stages हैं, stage 5 और stage 6. तो अब आपको सीटेट में एग्जाम क्या पूछ सकता हो, तो लॉरेंस गोयलबर्ग के कितने लेवल से पूछ सकता, दूसरा सवाल यह आ सकता कितने स्टेजेस से पूछ सकता, या ना दूसरा पूछ सकता कितने लेवल्स और कितने स्टेजेस से पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता, आप तैयार रहना। यहाँ पर उर्दू में भी मैं आपको लिख के बता दिया, लेवल्स को रोमन लेटर्स में डालना है और स्टेजेस को इंडो अरबिक लेटर्स, यहाँ पर जैसा लिखा गया है एक से लेकर छह तक उस तरह से लिख के उसको प्रैक्टिस करना है। और उर्दू में स्टेज वन को क्या बोलते हैं, मतलब सजा से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए इताद गुजारी का मरहला बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या करता बोलता, सजा से बचने के लिए क्या करता बोलता, अच्छे काम करता। एक बच्चा क्या करता बोलता, टीचर मेरे को मारते है बोल के क्या करता बोलता, क्लासरूम में क्या करता बोलता, खामोश बैठता। क्यों, तो यहाँ पर बच्चे का ताल्लुक स्टेज वन से है, और कौन से लेवल से, तो लेवल वन से है, क्योंकि सजा के डर से उन्हें क्या कर रहा बोले तो अपना अखलाकी मुजाहरा पेश कर रहा। और यहाँ स्टेज टू के जो बच्चे होते कुछ इनाम गिफ्ट रिवार्ड के तौखु से क्या करते बोलते, अपना अखलाकी मुजाहरा करते, मेरे को माँ अम्मी मेरे को चॉकलेट देते या पापा मेरे को बिस्किट देते बोल के क्या करते बोलते, वो लोग मम्मी पापा को हेल्प करते, अच्छे अच्छे बातें वो लोग बोले सर का सुनते, नाफरमानी नहीं करते। वो बच्चे का ताल्लुक किससे बोलते, लेवल वन और स्टेज टू से, लेवल वन और स्टेज टू से है। लेवल टू में हम बात करें स्टेज थ्री की, यहाँ पर क्या होता, अच्छा
स्टेज टू को उर्दू में इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं बोलते रिवार्ड ओरिएंटेशन बोलते हैं, मोरालिटी ऑफ सैटिस्फाइंग नीड्स बोलते हैं, और एक इसका नाम क्या है बोलते हेडोनिस्टिक स्टेज भी बोलते हैं। हेडोनिस्टिक स्टेज बोले तो अपने फिजिकल रिक्वायरमेंट जैसे भूख प्यास मिटाने के लिए जो हम तोहफे रखते कोई चीजों को उसको हेडोनिस्टिक स्टेज भी बोलते हैं। इसको एक बार सीटेट में पूछा था स्टेज टू का और एक नाम क्या है बोलता हूँ, हेडोनिस्टिक स्टेज बोलते हैं। लेवल टू की कन्वेंशन लेवल की हम बात करें तो स्टेज थ्री है जिसको स्टेज थ्री को इंग्लिश में गुड बाय गुडल ओरिएंटेशन बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या करता बोलता सार मेरी तारीफ करना बल्कि क्या करता कुछ अच्छे काम करता, वो बच्चा का ताल्लुक स्टेज थ्री लेवल टू से है। एक बच्चा क्या करता बोलता माँ मेरी बहुत प्यारी बेटी है बल्कि बोलना बल्कि घर झाड़ू साफ करती पूरा घर साफ करती, वो बच्ची का ताल्लुक स्टेज थ्री लेवल टू से। और स्टेज फोर की हम बात करेंगे बोलते हैं पर क्या होता बोलते पूरे लोग अपने अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। स्टेज फोर क्या है बोलते रूल फॉर ऑल, रूल इज रूल एंड रूल फॉर ऑल बोलते स्टेज फोर। यहाँ पर स्टेज फोर में क्या करते हैं सब लोग आला है काम को या निजाम को क्या करते बोलते फॉलो करते हैं उसको स्टेज फोर बोलते हैं। ओबीडियंस टू अथॉरिटी बोलते इंग्लिश, ओबीडियंस टू अथॉरिटी यानी कुछ रूल रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा क्या करता है स्कूल में जोर से चिल्लाना चाहता मगर स्कूल के रूल्स क्या है बोलते मैं चिल्लाना बोल के तो रूल्स को फॉलो करके बच्चा खामोश बैठ रहा, तो बच्चे का ताल्लुक कौन से लेवल से है बोलते लेवल टू से है और स्टेज फोर से, ठीक है ना। एक आदमी इनकम टैक्स सब लोग पे कर रहे हैं, रूल है इनकम टैक्स पे करना बल्कि इनकम टैक्स पे करता हालांकि उसके दिल में नहीं पे नहीं करना बल्कि रहता इनकम टैक्स नहीं बनना बल्कि रहता फिर भी उसको क्या रूल्स के हिसाब से वो इनकम टैक्स पे कर रहा, वो आदमी का ताल्लुक स्टेज फोर से लेवल टू से है। तो यहाँ पर अपनी मर्जी नहीं चलती पर स्टेज फोर उसको इंग्लिश में क्या होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते स्टेज फोर है। यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन को यानी आपकी दिल की बात आपकी मर्जी के मुताबिक आप अपना फैसला अखलाकी फैसला नहीं ले सकते हो कौन सा स्टेज है बोलते स्टेज फोर, कौन सा लेवल है बोलते लेवल टू, क्योंकि रूल इज रूल एंड रूल इज फॉर ऑल बल्कि सबके लिए एक ही रूल भाई रूल है भाई सब लोग फॉलो करना बल्कि बोलते कभी गेम्स सबके लिए भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जेंट्स नहीं लेडीज नहीं बड़े नहीं छोटे नहीं सबके लिए सेम रूल वो है स्टेज फोर। रूल इज रूल एंड रूल इज फॉर ऑल, there is no discrimination, there is no gender, there is no gender bias, there is no color bias, there is no caste religion bias, all are equal, stage 4 ala hai kaam halanki uske dil mein rehta income tax pay nahi karna balki uska intrinsic motivation kaam nahi karta yahan par usko stage 4 level 2। next hum level 3 ki baat karenge wahan jahan par stage 5 aur stage 6 hai, level 3 ka naam post conventional level hai। stage 5 kya hai bole to yahan par aadmi kya karta bole to उसको पूरा मालूम क्या सही है क्या गलत है फिर भी क्या करता अपने दिमाग को अपने रेशनल थिंकिंग को अपने अखलाक को सोचकर फैसला लेता। यहाँ पर उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए स्कोप है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से जो मौर्य का पैदा होता है उसके हिसाब से फैसले लेता। बचपन में क्या करते फैसलों को पैसे डाल देते सवाब मिलता है, बड़े होने का क्या करते बोलते रेशनल थिंकिंग को सोच के देखते फकीर अगर बूढ़ा जईफ लुल्ला लंगड़ा लुला है तो उसको पैसे देते सवाब मिलता है। अच्छा हट्टा कट्टा फकीर है तो अरे ने काम करके कमा सकता ना बल्कि उठा उसको घर आगे क्या करते नौकरी देते बोलते यार तो उसको कुछ पीक नहीं देते अपने अखल पे फैसला लेता। एक एम्बुलेंस ड्राइवर क्या करता बोलते सब लोग रेड सिग्नल पे रुके रहते पर इन सिग्नल पे नहीं रुके क्या करता सिग्नल को तोड़ के एक पेशेंट की जान बचाने के लिए वक्त पे दौखने तक वो पेशेंट को पहुंचाता। वो ड्राइवर का ताल्लुक कौन से स्टेज से कौन से लेवल से बोलते स्टेज 5 लेवल 3 से। यहाँ पर उसको मालूम स्टेज 4 में क्या है सब लोग रूल फॉलो करके सिग्नल पे रुकते इंट्रिंसिक मोटिवेशन का नहीं सुनते दिल की बात नहीं सुनते रूल सब फॉलो करते आंख बंद करके ब्लाइंडली। स्टेज 5 में क्या करते थे रूल को तोड़ देते यहाँ पर अपने दिमाग को इस्तेमाल करके फैसला लेते उसको क्या बोलते बोलते स्टेज 5 में रेशनल थिंकिंग मंतिक सोच का इस्तेमाल करके यहाँ पर फैसला साजी की जाती अपना अखलाकी मुजाहरा करते उसको स्टेज 5 बोलते। अरे आप अपनी चलाते अपने दिमाग का अपनी सोच का अपनी इदराक की नशोनुमा अपनी परवरिश और अपने तजुर्बात की बुनियाद पर सोच के अपनी अखल अपनी उम्र अपने तजुर्बात की बुनियाद पर फैसले लेते आप हाँ सब कर रहे मैं क्या करूँ सब इनकम टैक्स पे कर रहे। एक आदमी क्या बोल रहा सब लोग इनकम टैक्स पे कर रहे गवर्नमेंट पूरे पैसे लेके इनकम टैक्स के पैसे खा ले रही मेरे पैसे लेके गवर्नमेंट सही इस्तेमाल न कर लिहाजा मैं इनकम टैक्स पे नहीं करता। इनकम टैक्स से बचने के लिए क्या क्या रास्ते अख्तियार कर सकते हैं बल्कि दीगर दीगर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रस्तों को अख्तियार करके इनकम टैक्स से बचने की कोशिश कर रहा। वो आदमी का ताल्लुक किससे है बोलता कौन से लेवल से है बोलते लेवल 3 से स्टेज 5 से। और स्टेज 6 की हम बात कर रहे हैं लेवल 3 में गोलबर्ग के मुताबिक स्टेज 6 को पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक बार टेट में क्वेश्चन पूछा था गोहलबर्ग के कौन से स्टेज को पहुंचना मुश्किल है बल्कि पूछता तो स्टेज 6 को पहुंचना बहुत
मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बात होती है यहाँ पर सच्चाई की और हमदर्दी की, अमन की, यानी आफाकी जो कानून होते, यूनिवर्सल एथिकल जो प्रिंसिपल्स होते, ये स्टेज सिक्स में पाए जाते हैं। स्टेज सिक्स में पहुंचना बहुत मुश्किल है। स्टेज सिक्स को हम पहुंच नहीं सकते, नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम कभी ना कभी झूठ बोलते ही बोलते, जो झूठ नहीं बोलते, जो हमदर्दी रखते, जो हम एहसासी का रवैया रखते, जो सच बोलते, जो अदम तशद्दुद जो होते, जो अमन को चाहते, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज होते दुनिया में, जैसे महात्मा गांधी है, या नहीं तो फिर मदर टेरेसा है, लिंकन है, बहुत सारे दुनिया में हम जो मशहूर मशहूर पर्सनालिटीज को देखते, वो लोग यहाँ पर शामिल होते। बहुत मुश्किल से 10-15% लोग यहाँ पर स्टेज सिक्स तक पहुंचते, और स्टेज तक पहुंचना बहुत मुश्किल बल्कि कोहलबर्ग का ख्याल है। और स्टेज सिक्स को पहुंचना ही तालीम का आखिरी मकसद होता, स्टेज सिक्स को पहुंचना ही तालीम का आखिरी मकसद होता, और स्टेज सिक्स को पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर हम सिगमंड फ्रॉयड का एक जो नजरिया है उसको अगर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में देखें, तो सिगमंड फ्रॉयड अपने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में तीन चीजों को पेश करते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी इमीडिएटली आपके आपको तस्कीन देने वाली, यानी आप अपने जिनसी ख्वाहिशात या आपके दिल की ख्वाहिशात के बिना पे आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अचानक आपको वहां पर बिरयानी रखी, बिरयानी खा लो, बोलता इड, सही क्या क्या गलत, सही और गलत में कुछ फैसला, सही और गलत में कुछ दरमियान में कुछ फर्क महसूस ना करते हुए इड क्या बोलता, बोलते हो सब चिट्ठी मार के पास जा, बोलता या ना तो वहां बिरयानी रखी हुई खा ले, बोलता या रोड पे जा रहा है जवान बच्चा, अरे वहां बच्ची ठहरी हुई देख, बल्कि उसको शैतानी ख्याल आता कि उसको भटकाता उसको, ये है इड। यानी अचानक फौरन आपके दिल को तस्कीन देने वाली जो जो शय है, यानी आपके आपके इमिडिएटली आपको सुकून देने वाली चीज के प्रिंसिपल, यानी तस्कीन के प्रिंसिपल पर, यानी तो मसरत हासिल होने वाले उसूल पर काम करने वाला अगर कोई है तो वो इड है। सिगमंड फ्रॉयड के मुताबिक, उनका ख्याल के मुताबिक इंसानी शख्स में पर्सनालिटी में तीन अनासर होते, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो है वो किसकी बुनियाद पे काम करता, बोले तो प्लेजर सुकून की बुनियाद पे काम करता, इमीडिएटली मसरत हासिल होने वाली क्या है उस पर काम करता, सामने बिरयानी खा लो बोलता, चिट्ठी मार के एग्जाम पास हो जाओ बोलता, गलत काम करो बोलता, अच्छाई बुराई में कुछ फर्क न रखता, वो हैवानियत की बुनियाद पे, हैवानियत के सबूर पे काम करता। हैवान अच्छे बुरे में सही गलत में कुछ फैसला नहीं कर सकता, वो हैवानियत है, उसको इड बोलते। दूसरा है ईगो। ईगो क्या है बोलते हो, आपका रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता, सच्चाई पे क्या है, बिरयानी रखी हुई खा ले बल्कि इड बोलता तो ईगो क्या बोलता, अरे बिरयानी किसी दूसरों की खाना गलत है, नहीं खाना बोलता ईगो, अरे चिट्ठी मार के एग्जाम लिखना गलत है, नहीं लिखना, हम ओन पे एग्जाम लिखना, बल्कि ईगो आपको सही रास्ता दिखाता। और यहाँ पर ये कोई अभी जैसा मैं मिसाल दिया था, कोई लड़की ठहरी गई तो अरे किसी लड़की को हम नहीं देखना गलत है, किसी लड़की को देखना गलत है, नहीं देखना, बल्कि ईगो आपको समझाता है, शैतानी हरकत की तरफ आपको इड लेके जाता, तो ईगो क्या बोलता, बोलते आकाश की बुनियाद पे, रियलिटी प्रिंसिपल पे क्या बोलता, बोलते नहीं ना ये सब नहीं करना गलत है, इड के खिलाफ जाके ईगो आपको क्या सही रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करता। और एक है सुपर ईगो। सुपर ईगो किस पे काम करता, तो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता, अखलाकियात पे काम करता, इकदार पे काम करता, इकदार की बुनियाद पे, अखलाकियात की बुनियाद पे काम करता, बिरयानी दूसरों की बिरयानी खाना गलत है, उसकी उसको जिस तरह हमको जिस तरह भूख लगी उसको भी उसी तरह की भूख लगती, हम ऐसा ऐसी का रवैया रखता, मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता, चिट्ठी मार के एग्जाम पास करना गलत है, झूठ की बुनियाद पे एग्जाम पास करना गलत है, हम अपनी मेहनत पे सच्चाई की बुनियाद पे एग्जाम लिख के पास करना ही सही है, लिहाजा हम खुद मेहनत करके एग्जाम लिखना, बल्कि आपको सुपर ईगो बताता, यानी मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता। वहां पर ठहरी हुई लड़की, बस स्टॉप पर ठहरी हुई लड़की को हम नहीं देखना, क्योंकि वहां पर क्योंकि जो लड़की ठहरी हुई है वो हमारी बहन है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बल्कि इड क्या बोलता लड़की को देखो बोलता, ईगो क्या बोलता बोले तो वो लड़की के बाजू 6 फीट का एक आदमी ठहरा हुआ है, उसका भाई हो सकता, अपनी पीठ फूटती, अपनी कमर फूट सकती, लिहाजा ऐसा गलत काम नहीं करना, बल्कि ईगो बोलता, हकायक की बिना तो रियलिटी बेस पे बात करता। बाजू वहां पर शी टीम के पुलिस वाले ठहरे गए, आपको पकड़ के पुलिस स्टेशन में जेल में लेके जा सकते हैं, नखो बोलता, इड क्या बोलता देखो बोलता, गलत करो बोलता, बिरयानी चुराओ बोलता, चिट्ठी मारो बोलता, ईगो क्या बोलता बिरयानी नहीं चुराना दूसरों की, वो अपनी चीज नहीं है, दूसरों का माल है, अमानत में खयानत नहीं करना,
चिट्ठी मारना, हालांकि चिट्ठी नहीं मारना बोलता, लड़की को नहीं देखना क्योंकि लड़की के बाजू के हट्टा कट्टा मोटा आदमी ठहरा हुआ है, तुम्हारी पीठ फोड़ देता बोल के डरा देता। तो सुपर ईगो क्या बोलता बोलते, दूसरों की भूख जैसे हमको भूख लग रही, दूसरों को उस तरह भूख लगती, इसलिए दूसरों की बिरयानी दूसरों के खाने को चोरी करके नहीं खाना। चिट्ठी मार के पास करना आफाक कानून आफाक अखलाक के बुनियाद के खिलाफ है। सच्चाई की बुनियाद पर एग्जाम लिखना पास करना ये इंसानियत है, ये सच्चाई है, ये गलत काम है। बल्कि आपको सुपर ईगो आपको अखलाकियात मोरालिटी के प्रिंसिपल पे काम कराता। और लड़की को देख रहे तो वो बोलता कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब अपने माँ बहन है, सबकी इज्जत करना और इज्जत की इज्जत करना बिल्कुल गलत है, ये गलत काम नहीं करना, बल्कि आपको सुपर ईगो सिखाता। तो ये सिगमंड फ्रॉयड का नजरिया था। तो ये सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है उसी के बुनियाद पे आपका लेवल 3 में स्टेज 6 भी वही प्रिंसिपल पे काम करता है, बल्कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम ये मॉरल काल कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में मैं आपको जीन पियाजे का भी तस्करा किया, उनके चार स्टेजेस है उनकी थ्योरी में बताया मैं, और लॉरेंस कोहलबर्ग के अखलाकी नशन में मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में 6 स्टेजेस है बताया, 3 लेवल से बताया। और जब हम बात करते हैं स्टेज सिक्स की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टेज सिक्स को सिक्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल है कहता है कोहलबर्ग। और टेक में एक बार क्वेश्चन भी आया था स्टेज सिक्स प्योरली किसके ऊपर डिपेंड है, वो तो ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे डिपेंड है। सिगमंड फ्रॉयड का भी एक नजरिया है इड ईगो सुपर ईगो, उसमें से सुपर ईगो का जो काम है वो मोरालिटी प्रिंसिपल अखलाकियात पे काम करता। और आज हमारे मजहबी किताबें जितने भी है कुरान बाइबल या भगवत गीता रामायण जो भी किताबें हैं वो किताबों में भी यही बात बताई गई है कि आप सच बोलो झूठ न बोलना और इज्जत की इज्जत करना अच्छे काम करना चोरी नहीं करना किसी का हक नहीं मानना अमानत में खयानत में करना हमेशा इसी का रवैया रखना हमदर्दी रखना ये सारे बातें पूरे यहाँ हमारे मुकदस किताबें या जो अच्छे अच्छे किताबें हैं जो बाइबल गीता कुरान या जो भी किताबें पढ़ते सारे मुकदस किताबों में इसका जिक्र किया गया है। इसीलिए हमारे तालीम का आखिरी मकसद भी क्या होता बोलते हो, द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग द चाइल्ड टू द स्टेज 6 ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जहां तक उसको लेके आना है बच्चे को, बच्चा सच्चाई पे जिंदगी गुजारना है, हमदर्दी का रवैया रखना है, अमन के लिए काम करना है, अदम तशद्दुद नॉन वायलेंस पे जीना है, स्टेज 6 को पहुंचाना ही लेके आना ही एजुकेशन सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है। अगराज और मकासिद की जब हम बात करते हैं इंशाल्लाह हम कभी पेडागॉजी में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का भी हम डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकेशन एम्स ऑब्जेक्टिव्स वैल्यूज का भी वहां पर डिस्कस, वो भी क्लास लेता हूँ इंशाल्लाह, फिलासफी की भी इंशाल्लाह क्लास लेता हूँ मैं। तो फिलहाल यहाँ पर कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में सारे स्टेजेस में समझा दिया आपको, लेवल समझा दिया मैं यहाँ पर आपको। और यहाँ पर स्टेज 6 को पहुंचना बहुत मुश्किल है कहता है कोहलबर्ग। और मजहबी किताबें जितने भी बाइबल कुरान गीता वगैरह उनका भी मकसद यही होता है कि स्टेज 6 के बताए गए अपने उसूलों पर जिंदगी गुजारना है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। और सिगमंड फ्रॉयड के डेवलपमेंट थ्योरी में भी सुपर ईगो का भी तस्करा जो है वो उस पर ये कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी डिपेंड करता है यहाँ पर। और आखिरी में हम ये कह सकते कि ये मोरालिटी जो है इंसान की इसको डेवलपमेंट करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, स्कूल में हम क्या क्या हम एक्टिविटीज को अंजाम दे सकते हैं, बल्कि सीटेट में पेडागॉजी में एक सवाल आ सकता हाउ कैन वी डेवलप मोरालिटी इन द स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी डेवलप द मोरालिटी इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर, बल्कि आपको क्वेश्चन आ सकता उसके लिए स्कूल में क्या कर सकते हैं और असातिज़ा टीचर्स का क्या रोल हो सकता, एक 4-5 पॉइंट्स बोल देके मैं ये वीडियो को खत्म कर देता हूँ। और आप जरूर ये वीडियो को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अगर व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसको लाइक भी कीजिए, प्लीज कमेंट भी कीजिए, नहीं तो क्या होता बोलते हो ये वीडियो को यूट्यूब से निकाल के फेंक देते, लाइक भी करना जरूरी है, शेयर भी करना जरूरी है, कमेंट भी करना जरूरी है, नहीं तो इसको वीडियो को निकाल देते ताकि फिर आपको फ्यूचर में वीडियो शेयर ना देता। मेरे को आइडिया नहीं यूट्यूब के बारे में, फिर भी मैं आप तक पहुंचाने के लिए बच्चों के रिक्वेस्ट पे फ्री कास्ट पे मैं फ्री सर्विस देने के लिए ये वीडियो बना के मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और तो हाउ कैन वी डेवलप मोरालिटी इन द स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर, तो सबसे पहले क्या करना है उनको बच्चों को मोरल स्टोरीज बोलना है, अच्छे अच्छे उनको अखलाकी कहानियां सुनाना है बच्चों को, जैसा कि हम अच्छे अच्छे स्टोरीज है बायोग्राफी से, महात्मा गांधी की बायोग्राफी या लिंकन की बायोग्राफी या नहीं तो मदर टेरेसा की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज होते हैं, एपीजे कलाम की विंग्स ऑफ फायर बुक है वो बायोग्राफीज को पढ़ाना चाहिए, बायोग्राफी से मुताबिक बच्चों को वीडियोज दिखाना चाहिए, अच्छे अच्छे कहानियां बताना चाहिए, फ्रीडम फाइटर्स के लाइफ हिस्ट्रीज बताना चाहिए। और रोजाना
असेंबली में ठहरे वक्त एक अच्छा प्रॉवर्ब बताना चाहिए, एक मोरल मोरालिटी से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड एक प्रॉवर्ब दो प्रॉवर्ब इंग्लिश उर्दू तेलुगु में बताना चाहिए, अच्छे अखवाल जरीन बताना चाहिए उनको, अच्छे वर्ड्स गोल्डन वर्ड्स सुनाना चाहिए उनको, और सबसे अच्छा टीचर एक रोल मॉडल की तरह बच्चों के सामने होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट डेज जो होते हैं नेशनल इंटरनेशनल जो डेज होते हैं वो डेज जैसा कि अगस्त 15 है, 26 जनवरी है, टीचर्स डे है, या मदर्स डे, फादर्स डे, जो भी डेज होते हैं इम्पोर्टेंट अहमियत के, जून 5 वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो डेज को हम कंडक्ट करना है उसको, उस दिन वहाँ पर एस रेटिंग अच्छे कॉम्पिटिशन कल्चरल प्रोग्राम्स करके बच्चों को क्या करना है बोले तो वहाँ पर वो बच्चों में अखलाकियात को हम डेवलप करा सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज क्या है बोले तो बच्चों में उनका सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के, मोरालिटी डेवलप करने के लिए हम बहुत सारे एक्टिविटीज को भी कर सकते हैं, और रोजाना स्कूल में असेंबली कंडक्ट करना है, और बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे उनको एग्जाम्पल्स दे के, अच्छे अच्छे पर्सनैलिटीज को बुला के वहाँ पर हम बच्चों को क्या कर सकते हैं स्कूल में बोले तो उनके मोरालिटी को डेवलप कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे चीजें उनके सामने पेश करके, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स पेश करके हम बच्चों की मोरालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक वो है, एक पिक्चर है अखलाक-ए-कोहलबा का, एक डायग्राम है, इसको भी आप प्रैक्टिस करो सकते हैं, यहाँ पर मरहले है पूरे उर्दू में इंग्लिश में प्रैक्टिस करके आप इसको सीटेट की अच्छी तैयारी कीजिए। मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूँ और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, और आई होप यू विल गेट गुड स्कोर इन दिस सीटेट, आई विल डेफिनेटली विल क्वालिफाई। आप सीटेट में 90 का मार्क्स का टारगेट मत रखिए, 120 प्लस का टारगेट रखिए, 120 मार्क्स आप इस बार लाना है, 125 मार्क्स आपको लाना है, जितने ज्यादा मार्क्स लाएंगे उतने आपको टीचर रिक्रूटमेंट में ये इसके स्कोरिंग आपको यूजफुल और हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।